हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, हैप्पी 2019। आज 2019 का मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, होप आपको ये अच्छा लगे। इस ब्लॉग में मैं आपको 2018 को हम लोग ने कैसे बाय बाय किया और 2019 को से वेलकम किया ये दिखाऊंगा। स्मॉल सेलिब्रेशन है जो हम लोगों ने चौपाटी बीच पे किया। मेरी 2019 में यही कोशिश होगी कि मैं आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊंगा और अच्छे अच्छे प्लेसेस में ट्रैवल कराऊंगा। तो चलते सीधा ब्लॉग देखने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल ग्राम माई। अभी के कुछ रात के 10:30 बजे है और हम लोग चल पड़े हैं चौपाटी बीच की ओर। मैं आई थिंक पिछले 4 से 5 सालों से यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहा हूँ और ये हम लोग एंटर कर रहे हैं चौपाटी। फिलहाल तो भीड़ कम है पर शायद से बाद में भीड़ बढ़ सकती है। हर साल की तरह इस साल भी पुलिस का बंदोबस्त बहुत अच्छा है। अभी हम लोग थोड़ा घूम लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भीड़ थोड़ी कम है। आई थिंक लोग ज्यादा मुंबई के बाहर सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। तो ये हम लोग का आज का मेन्यू, लॉट्स ऑफ वेफर एंड कोल्ड ड्रिंक। बस अब कुछ ही सेकंड बाकी है 2018 को बाय बाय करने के लिए एंड 2019 को वेलकम करने के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। अरे कुछ नहीं लेके लेके चल 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 मैं एक्चुअली फायर क्रैकर ढूंढ रहा था बट इस बार बहुत कम फायर क्रैकर जले हैं, जो एक्चुअली अच्छी बात भी है। ये देखो 12 बजने के बाद सब लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर करने के बाद आधी चौपाटी खाली। फिर हम भी निकल पड़े अपने घर के लिए। इनको कौन नहीं जानता, द ग्रेट तुकाराम ओंबळे जी, जिन्होंने अपनी जान देकर कसाब को पकड़ा था। आई थिंक फर्स्ट टाइम इस रोड को ब्लॉक किया है। पब्लिक बिंदास रोड पे चल रही है। रात के अभी 1 बज चुके हैं तो भी इतनी भीड़ है। लोग अभी भी आ रहे हैं चौपाटी की ओर या नरीमन पॉइंट की ओर जा रहे हैं। तो अभी ये छोटा सा सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। होप सो ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर वीकली ट्रैवल वीडियोज। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए।